Hello everyone, welcome to the channel Vlogger Dave, and this is Dave here. And I cannot reveal my face right now because I am on the highway, and we are riding to some NH2 kitchen today. That's post Ajadin Dhaba. And I have my friends with me. I have Sagar with me, and they are busy taking selfies. There is Sagar, there is Santonu, and that is Shayon. And the bikes we do have, I'm trying to show you. This is FZ25 white. Mine is, as you know, FZ25 black. There is a, as you can see, that's a Phaser. And here is the TVS Victor that belongs to Shagor. Okay, so let us go to NH2 kitchen and then let us talk. हम लोग गए तो थे NH2 किचन में, लेकिन वहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि बहुत लोनली था. और यू नो, एज अ कस्टमर यू ऑलवेज वांट अ गैदरिंग वाला शॉप, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार और कहीं जाके खाते हैं. तो इसलिए हम लोग जहाँ पर आ गए, जगह का नाम है शक्तिगढ़ जो कि से ये वर्धमान में है, और वहाँ से 22-23 किलोमीटर आगे है क्योंकि. तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा जगह है जो कि से. शॉप का नाम हम दिखाते हैं आपको, लैंगचा भवन बालाजी. ओके बालाजी, हम शॉप के बाहर से भी आपको दिखा रहे हैं. और यहाँ पर हम लोग क्या खाने वाले हैं भाई? डोसा खाएंगे, और आज के लिए साउथ इंडियन हो ही जाते हैं, क्या बोलते हैं. थोड़ी ना राइट पे आके कोई लाइक राइस खाता है, बंगाली है तो क्या करें, लेकिन आज थोड़ा साउथ इंडियन खाना है. ओके, और ये आप देख सकते हो यहाँ का मेनू कार्ड बहुत ही सस्ता है. शायद नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन स्वीट्स, उत्तपम्स, और क्या है वड़ा, क्या है वड़ा, ओ बड़ा, बंगाली में बड़ा होता है. और ये आप देख सकते हो चाइनीज डेजर्ट, आपको भाव भी दिखा रहे हैं हम लोग. कोल्ड बिवरेजेस एट MRP, हॉट बिवरेजेस. ओके ओके, थैंक यू ब्रदर, मिस्टर होल्डर. और ये आप देख सकते हो ये पूरी है, और ये क्या दिया है, डाल दिया है क्या, डाल है या. ओके, पूरी और डाल, ऐसे करो. स्वादिष्ट, एक बार आके देखो यहाँ पर. अभी ब्रेकफास्ट तो हो गया, और थोड़ा बहुत पूरी खाने के बाद पेट भर गया है. और यहाँ से छोटा सा राइड करके हम बैक टुवर्ड्स आजादीन जा रहे हैं, और वहाँ पर एक ढाबा है, हिंदुस्तान ढाबा, तो वहाँ पर जा रहे हैं. वहाँ पर जाके कुछ चिकन खाएंगे. ओके, सो स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये देखो यहाँ पर, अरे तू हेलमेट हटा, लैंगचा घर, लैंगचा भंडार, क्या है सब, लैंगचा नगर. यार द नेचुरल व्यू इज रियली गुड. तो ये है वर्धमान का व्यू, और हम तो लैंगचा शहर में पहुंच गए हैं. तो हम तेल लेने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं. TVS Victor में थोड़ा बहुत तेल का कमी पड़ गई है. और यहाँ का नज़ारा आप देखना चाहोगे, ये है यहाँ का नज़ारा, खुली मैदान, पबजी का मैदान लग रहा है ना. ओके, सो ये देखो झाड़ियाँ वादियाँ, क्या नहीं है यहाँ पर, फूल, ये कलर देखो भाई, हाँ क्या लग रहा है. तो हम तो राइड जारी रख रहे हैं अभी तक. 100 कितना हुआ है भाई, 120 किलोमीटर, 120 के करीब हो गया है, और भी 100 किलोमीटर का राइड बाकी है. घर तक तो पहुंचना है भाई, बाहर तो रुक नहीं सकते, है ना. तो इन लोगों का तेल भरवाना हो गया,
चलो आगे चलते हैं, ओके हिंदुस्तान ढाबा चलते हैं, कुछ खाते चलते, चिकन चिकन मिलेगा क्या देखते हैं। ये देखो पबजी का मैदान फार्म दिख रहा है तुम्हें, बंदूक लेकर नीचे जा चले जाओ। और ये रास्ता और ये हमारा बाइक, हम फाइनली आ गए हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो सब टूटा फूटा है, यहाँ पर यह हिंदुस्तान होटल है, ये आप देख सकते हो, मुझे पहचान सकते हो ना। ये बाइक्स देखो पीछे, या डोमिनार फोमिनार ट्यूब फ्यूब लेकर लोग आ गए हैं यहाँ पर, बहुत रईस जगह है, लोग गाड़ी लेकर आ गए, हम तो गरीब आदमी है, 250 cc का इंजन लेकर आ गए। तेल सर्विस बहुत अच्छा मिल रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, 44 का दे रहा है, आपको दिखाऊंगा मैं अभी, डोंट वरी। गरीबों का गाड़ी है भाई, दिखने में 250 cc अच्छा है, पिकअप अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है इसका तेल सर्विस, फ्यूल इकोनॉमी जिसको हम अच्छी भाषा में कहते हैं। अब हमारे पास तो एस जे कैम, एक्शन कैमरा, हीरो, ये सब तो है नहीं, गरीब आदमी है कहाँ से खरीदे, अभी किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, छोटे मोटे यूट्यूबर है, अब व्लॉगर देव को थोड़ी ना पहचानते हैं लोग जो। तो चलो देखते हैं अंदर जाते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, मेनू कार्ड दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है हिंदुस्तान ढाबा, अरे क्या लग रहा है, हाँ होटल हिंदुस्तान, वो हमारा बाइक दिख नहीं रहा है भाई, बाइक सबके पीछे है। चलो देखते हैं अंदर क्या मिलता है। अभी अंदर आ गए, देखो यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट, और वो एक लॉरी का डब्बा दिख रहा है आपको, चलो इसको जूम करके दिखाते हैं थोड़ी देर में, पहले मेनू कार्ड थोड़ा बहुत देख ले, मेनू कार्ड यहाँ पे मिलता क्या क्या है। हमने तो डोसा ऑर्डर किया है, 70 rupees का डोसा, मसाला डोसा, और तीन डोसा है 65 rupees। तो ये देखो, ये सूप मिलता है, ड्राई स्पेशल, तंदूरी कबाब, साउथ इंडियन मिलता है, चाइनीज़ मिलता है, आपको प्राइस देखना है तो आप पॉज करके देख लेना, चाइनीज राइस नूडल्स। और ये हमारा मसाला डोसा आ गया, चलो फिर देखते हैं फिर मेनू कार्ड में और क्या क्या है। वेजिटेरियन मिलता है यहाँ पर, चिकन मिलता है, मटन का प्रिपरेशंस मिलता है यहाँ पर, फिश है, एग है, रोटी है, राइस है, थाली है, सलाद, बिवरेज, और भाई नमस्ते है, ये क्या फेंगशुई है पता नहीं, चीनिया गिरा दिया हमने, देख लेगा तो बहुत ये लोग पीटेंगे। ये देखो, ये है फूड्स कैरियर, मिठाई, ये देखो जगह अच्छा है, ये देखो दोनों खा रहे हैं, भुक्कड़ है, देखो खा लिया, हाफ खा लिया, बहुत सारा खा लिया, ये भी खा रहा है, अब मुझे भी खाना है, तो आप लोग देखते रहो वीडियो, मुझे थोड़ा बहुत खाने दो। अभी खाना तो हो गया, निकलना चाहिए हम लोगों को, घर की तरफ जाना होगा, अभी भी 80 kilometers, आई थिंक 75 to 80 kilometers लेफ्ट गेट टू बी कवर्ड बाई अस टू गेट बैक होम। लेकिन अभी खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मन कर रहा है, क्या करें, थोड़ा बहुत बैठे हैं यहाँ पर, ये देखो ये भाई साहब मोबाइल लेकर काम कर रहे हैं, हमारे और तो जो बंधु है वो बाहर जाकर म्यूजिकली कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी थोड़ा बहुत बैठकर आराम कर लेते हैं, और फिर बाइक को भी आराम मिल रहा है, 130 kilometers भगा लिया है बाइक को आज, तो उनको भी आराम मिल रहा है, अभी उसके बाद निकलते हैं। अभी खाना पीना रेस्ट सब हो गया, तो चलो फिर चलते हैं इस हिंदुस्तान होटल को बाय बाय बोलकर, हमारा बाइक्स रेडी है यहाँ पर, ये हमारा है, राइडर्स रेडी है, हेलमेट पहनते हुए, फिर उतारते हुए, फिर बाल को ठीक करके, फिर से हेलमेट पहनते हुए, तो वीडियो कर रहा हूँ चलो। और ये देखो बिल्कुल ऐसे हेलमेट पहना कि सीधा बाउंड्री के बाहर, ओके चलो फिर मिलेंगे।
फिर मिलेंगे और अगली बार अगर एक एक्शन कैमरा खरीद सके तो भाई अगर हमारा आँख क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, अगर अगली बार एक एक्शन कैमरा हो जाए तो ठीक ठाक, लेकिन नहीं हुआ तो ऐसे ही ब्लॉग करते रहेंगे। चलो बाय बाय। और हाँ, ये लोगो मैंने खुद इंस्टॉल किया है, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। पूरे एलियन की तरह लग रहा हो। चलो बाय, सी यू। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो अच्छा लगे तो। सो आफ्टर 202 किलोमीटर्स राइड, हियर इज़ द पोजिशन ऑफ माई हेयर। बालों का बहुत बुरा हाल है, बाइक का हाल जितना गया। चलो आपको फिर दिखाता हूँ कि किलोमीटर्स कितने हुए, ट्रिप मीटर सेट किया था और जो माइलेज था उसको भी रीसेट किया गया था। तो चलो देखते हैं कितना क्या दिया। ये है टाइम ओडोमीटर, तो ये है ट्रिप मीटर आज का, 202.2 किलोमीटर्स एंड आई एम बैक टू माय होम। और 200-300 मीटर के बाद ही मेरा घर है। तो ये है एवरेज माइलेज जो आप देख सकते हो, 44.7। और भैया टॉप स्पीड तो बहुत निकाला। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम BMW के जो वहाँ पर एक रैली टाइप का हो रहा था, लाइक 12-14 BMW बाइक्स, G310 एंड 310R का बाइक्स था, तो उनके रैली में हम दोनों घुस गए, मैं और मेरे भाई दोनों FZ25 लेकर घुस गए। तो उनमें से एक जो था वो प्रॉब्ली ऑर्गेनाइजर था, वो भी कुछ कंफ्यूज हो गया था। उन्होंने हम एक जगह पर खड़े हो गए थे लेफ्ट साइड में, तो वो हमसे आके पूछे कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो। फिर उन्होंने हमारे बाइक की तरफ देखा और समझा कि नहीं, ये तो BMW नहीं है, यामाहा का प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कहा ओके सॉरी। तो दैट वाज अ थिंग, बहुत अच्छे बाइक्स देखे। अभी बाइक्स का फ़ोटो निकालना बहुत मुश्किल था बिकॉज भीड़ था बहुत सारा। H2 देखा, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल था और ट्रायम्फ डेटोना था, ऐसा कुछ बाइक्स था। तो हमने दो एक फ़ोटो निकाले, तो वो फ़ोटो मैं अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, प्लीज़ देखो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड डू कमेंट एंड डू लाइक। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल, व्यूइंग दिस वीडियो। साइनिंग आउट, ब्लॉगर देव, एंड टेक केयर एवरीवन।